क्योंकि संतों ने बताया है कि जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद मिलता है, लक्ष 84 भुगतने के बाद मिलता है। तो कैसे ये मानव अपने आप को खत्म कर रहा है गुरु प्रेमियों। उजड़ जाइयो जग में जीवना, उजल जाइयो जग में जीवना, ब्राह्मणवाद वाद विवाद इसमें लगा हुआ है। सदगुरु को नहीं जान पा रहा है, इन संतों की बात को नहीं मानता और मणि मथानी बिना लिप्त है। लेकिन गुरुमुखी जीव का अलग होता है तो प्रेमी है। हाँ कोई तो पूछे मिला। अगर भाई हम आज भी नहीं जागे तो आगे 6000 वर्ष और लग जाएंगे जागने में। मानव का चोला मिला कोई उत्तम कर्म होगा, मानव का चोला मिला और संतों की शरणागत मिली, ये पिछले जन्म में कोई अच्छे संत रहे होंगे। मानव का चोला मिला और संतों की शरणागत मिली और संतों में संतों के सिरमौर शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की संगत मिलती है तो
वो जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल है। हम कहानी मिलती गुरु रामदास महाराज जी की संगत। आज ये मानव भटक रहा है, पत्थर पूजा में लगा हुआ। तो जड़ जाहियो जग में धागे में बांधकर हमें प्रेम का पाठ पढ़ा दिया और सेवा बता दी, परमार्थ बता दिया, भंडारे बता दिए, सत्संग बता दिए और माँ बाप की सेवा बहुत अहम बताई। हाँ कोई सतावे माता पिता ने कोई सतावे माता पिता ने तिरियांग लगाए के
करते रहेंगे ये अरदास कि भाई अपने माँ बाप की सेवा जरूरी है। जिन्होंने अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया उनका सत्संग बेकार हो जाता है, उनका जीवन ही बेकार हो जाता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना साधो सत साहेब।